राधे राधे फ्रेंड्स, ओम गम गणपते नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधे राधे। गीता ज्ञान अध्याय 8, अक्षय ब्रह्म योग, सनातन ईश्वर का योग, जिसको नित्य सुनने से मिलती है हर क्षेत्र में सफलता। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने कई महत्वपूर्ण अवधारणाओं और शब्दों का संक्षेप में वर्णन किया है, जिन्हें उपनिषदों में विस्तार से समझाया गया है। वे यह भी बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा का गंतव्य क्या निर्धारित करता है। वे कहते हैं, यदि हम मृत्यु के समय ईश्वर को याद करते हैं तो हम निश्चित रूप से उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने दैनिक कार्यों के साथ साथ हमेशा ईश्वर के बारे में सोचने का अभ्यास करना चाहिए। हम उनके गुणों, विशेषताओं, सद्गुणों आदि के बारे में सोचकर ऐसा कर सकते हैं। ईश्वर के नाम का जाप करके उन पर निरंतर योगिक ध्यान करना भी एक अच्छा अभ्यास होता है। अनन्य भक्ति के माध्यम से जब हमारा मन पूरी तरह से उनमें लीन हो जाता है तो हम भौतिक आयाम से आध्यात्मिक क्षेत्र में ऊपर उठ जाते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण भौतिक जगत में विभिन्न निवासों और षष्ठी चक्र के बारे में बात करते हैं। वे आगे बताते हैं कि कैसे इन निवासों पर प्राणियों की भीड़ प्रकट होती है और प्रलय के समय सब कुछ वापस उनमें समा जाता है। भगवान का दिव्य निवास सृष्टि और प्रलय के इस चक्र से अछूता है। जो लोग प्रकाश के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं ये अंततः दिव्य निवास तक पहुँचते हैं और भौतिक दुनिया में कभी वापस नहीं आते। जबकि वे पतित आत्माएं जो अंधकार के मार्ग पर चलती हैं, जन्म, बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु के चक्र में अंतहीन रूप में भटकती रहती हैं। अर्जुन ने कहा, हे परमेश्वर, ब्रह्म परम सत्य क्या है, आध्यात्मिक व्यक्तिगत आत्मा क्या है और कर्म क्या है, अधिभूत किसे कहते हैं और आदिदेव किसे कहते हैं, शरीर में अधियज्ञ कौन है और वह अधियज्ञ किस प्रकार है। हे कृष्ण, स्थिर मन वाले लोग मृत्यु के समय आपको कैसे जान सकते हैं। भगवान ने कहा, परम अविनाशी सत्ता को ब्रह्म कहा जाता है। मनुष्य का अपना स्वरूप अध्यात्म कहलाता है। जीवों के भौतिक व्यक्तित्व से संबंधित कार्य तथा उसका विकास कर्म या सकाम कार्य कहलाते हैं। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, जो स्थूल स्वरूप निरंतर परिवर्तनशील है उसे अधिभूत कहते हैं। जो भगवान का विश्व रूप इस सृष्टि में देवों को अधिष्ठाता है उसे अधिदेव कहते हैं। मैं जो प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करता हूँ उसे अधियज्ञ कहते हैं, अर्थात समस्त यज्ञों का स्वामी हूँ। जो मनुष्य मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करते हैं वे मुझे ही प्राप्त होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे कुंती पुत्र, मृत्यु के समय शरीर त्यागते समय मनुष्य जो कुछ भी स्मरण करता है उसी चिंतन में निरंतर लीन रहने से वह उसी गति को प्राप्त होता है। अतः तू सदैव मेरा स्मरण कर और युद्ध करने का अपना कर्तव्य भी कर। मेरे अर्पण किए हुए मन और बुद्धि में तू अवश्य ही मुझे प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे पार्थ, जब तुम अभ्यास पूर्वक मन को मुझ परम पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करने में लगाओगे तब तुम अवश्य ही मुझे प्राप्त होगे। भगवान सर्वज्ञ, अति प्राचीन, नियंता, सूक्ष्मतम से भी सूक्ष्म, सबके आधार, अचिंत्य, दिव्य स्वरूप वाले वे सूर्य भी अधिक तेजस्वी हैं तथा ज्ञान रूपी समस्त अंधकार से परे हैं। जो मनुष्य मृत्यु के समय योगाभ्यास द्वारा प्राप्त स्थिर मन से प्राणों को भूओं के मध्य स्थिर करके भक्तिपूर्वक भगवान का स्मरण करता है वह अवश्य ही भगवान को प्राप्त करता है। वेदों के विद्वान लोग उसे अविनाशी कहते हैं। बड़े बड़े तपस्वी लोग ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं तथा सांसारिक सुखों का त्याग करके उसमें प्रवेश करते हैं। अब मैं तुम्हें उस लक्ष्य तक पहुँचने का मार्ग संक्षेप में बताऊँगा। शरीर के सभी द्वारों को रोककर मन को हृदय में स्थिर करके तथा प्राण को सिर की ओर खींचकर दृढ़ योग एकाग्रता में स्थित होना चाहिए। जो मनुष्य मुझ परम पुरुषोत्तम का स्मरण करते हुए तथा ओम अक्षर का जप करते हुए शरीर से प्रस्थान करेगा वह परम गति को प्राप्त होगा। हे पार्थ, जो योगीजन अनन्य भक्ति से सदैव मेरा चिंतन करते हैं उनके लिए मैं सहज ही प्राप्त होने योग्य हूँ, क्योंकि वे निरंतर मुझ में लीन रहते हैं।
मुझे प्राप्त होकर महात्माओं को इस क्षणभंगुर एवं दुख से पूर्ण संसार में पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता, क्योंकि उन्होंने परम सिद्धि प्राप्त कर ली है। हे अर्जुन, इस भौतिक सृष्टि के सभी लोकों में ब्रह्मा के परम धाम तक तुम पुनर्जन्म के अधीन होंगे, किंतु हे कुंती पुत्र, मेरे धाम को प्राप्त करने पर पुनर्जन्म नहीं होता। ब्रह्मा का एक दिन कल्प चारों युगों महायुग के 1000 चक्रों के बराबर होता है और उनकी रात्रि में उतनी ही अवधि की होती है। जो बुद्धिमान लोग इसे जानते हैं वे दिन और रात की वास्तविकता को समझते हैं। ब्रह्मा के दिन के आगमन पर सभी जीव अव्यक्त स्रोत से उत्पन्न होते हैं और रात्रि के पतन पर सभी देहधारी प्राणी पुनः अपनी अव्यक्त स्रोत में विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मा के दिन के आगमन पर अनेक प्राणी बार बार जन्म लेते हैं, तथा ब्रह्मांडीय रात्रि के आगमन पर पुनः लीन हो जाते हैं तथा अगले ब्रह्मांडीय दिन के आगमन पर पुनः स्वतः प्रकट हो जाते हैं। इस प्रकट और अप्रकट सृष्टि से परे एक और अव्यक्त शाश्वत आयाम है। वह आयाम तब भी समाप्त नहीं होता जब अन्य सभी समाप्त हो जाते हैं। वह अव्यक्त आयाम ही परम लक्ष्य है और उसे प्राप्त करने के बाद मनुष्य इस नश्वर संसार में कभी वापस नहीं आता। वह मेरा परम धाम है। परम दिव्य पुरुष सभी विद्यमान वस्तुओं से महान है। यद्यपि वे सर्वव्यापी हैं तथा सभी जीव उनमें स्थित हैं, तथापि उन्हें केवल भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें इस संसार के विदा होने के विभिन्न मार्गों का वर्णन करूँगा, जिनमें से एक मोक्ष की ओर ले जाता है और दूसरा पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। जो लोग परम ब्रह्म को जानते हैं और जो सूर्य के उत्तरायण होने के 6 मास चंद्रमा के शुक्ल पक्ष और दिन के शुक्ल पक्ष में इस संसार से प्रस्थान करते हैं, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। वैदिक अनुष्ठान करने वाले जो सूर्य के दक्षिणायन होने के 6 मास चंद्रमा के कृष्ण पक्ष धूम्रकाल रात्रि में विदा होते हैं, वे स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। स्वर्गिक सुखों का भोग करके वे पुनः पृथ्वी पर लौट आते हैं। ये दो प्रकाश और अंधकार मार्ग इस संसार में सदैव विद्यमान रहते हैं। प्रकाश का मार्ग मोक्ष की ओर ले जाता है और अंधकार का मार्ग पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। हे पार्थ, इन दोनों मार्गों के रहस्यों को जानने वाले योगी जन कभी मोहग्रस्त नहीं होते, इसलिए तुम सदैव योग में स्थित रहो। जो योगी इस रहस्य को जानते हैं वे वैदिक अनुष्ठानों, वेदों के अध्ययन, यज्ञ तप और दान के फल से कहीं अधिक पुण्य प्राप्त करते हैं। ऐसे योगी परम धाम को प्राप्त होते हैं और जो इसका नित्य अध्ययन करते हैं या सुनते हैं उसको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है और वे अपने जीवन को बड़ी सुगमता से व्यतीत करते हैं। श्री राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।